Welcome, dear students. I hope you will be good and fine. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट लेंगे. एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर उसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है तो हमें वो आनी चाहिए, अगर कोई रूल यूज हो रहा है तो हमें वो आना चाहिए. मतलब जो भी एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं पहले हमें उस मेथड का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है. तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं जिन्हें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉपर्टीज हैं क्या, ताकि जब हमें क्वेश्चन में यूज करनी पड़े तो वो हमें आती हूँ. तो लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास. लॉग ए बी मतलब अगर हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में हैं. ए बी का मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पर हमने दो नंबर्स सपोज कर ली हैं और उनके साथ है लॉग यूज़ हो रहा है, तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में चेंज हो जाती है. मल्टीप्लिकेशन चेंज होती है एडिशन में. तो यहाँ पर हम इसको राइट कर सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी. मतलब लॉग के रूल के मुताबिक जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है किस में चेंज होगी, एडिशन में चेंज होगी. सेकेंड रूल है हमारे पास लॉग ए ओवर बी. ए ओवर बी का क्या मतलब है, डिवीजन. कि लॉग के रूल के मुताबिक जो डिवीजन है हमारे पास वो किस में चेंज हो जाती है, सब्ट्रैक्शन में. तो इसको हम राइट कर सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी. उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास थर्ड वन के लॉग है, एक नंबर है और उसकी कोई पार है एन. तो यहाँ पर हमारे पास ये रूल यूज होता है बाय यूजिंग लॉगरिथम. तो लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जो पार होती है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है, एन लॉग एक्स. नंबर अपनी जगह पर ही रहेगा, नंबर को हम आगे पीछे नहीं करेंगे, लेकिन जो पार होती है वो कहाँ पर चली जाती है, वो लॉग से पहले चली जाती है, पार स्टार्ट में चली जाती है. ये कुछ हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज थी लॉगरिथम को अंडरस्टैंड करने के लिए. जब हम लॉगरिथम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज हम यूज़ करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ए बी, मतलब जो ए और बी कोई से दो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास इसमें चेंज हो जाती है एडिशन में. उसके बाद यहाँ पर डिवीजन है ए ओवर बी, इसके साथ लॉग है, तो डिवीजन हमारे पास हमेशा याद रखे सब्ट्रैक्शन में चेंज होगी. और अगर एक नंबर है उसकी पार है उसके साथ लॉग यूज़ हो रहा है तो पार जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी. और इसी तरह से इन प्रॉपर्टीज़ को हम रिवर्स भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें ये हमने लॉगरिथम को ओपन किया है, अगर हम इसे क्लोज करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं. उसमें ये होगा अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है लॉग ए प्लस लॉग बी, हमें इसे क्लोज करना है तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी एडिशन है वो किस में चेंज होगी, मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी, ठीक है. इसी तरह से जो हमारी सब्ट्रैक्शन है वो डिवीजन में भी चेंज हो सकती है वापस. और उसके बाद अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्टार वाला नंबर है उसको हम पार भी बना सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में इसको हम बैक कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस हमें इस शेप में दिए जाएंगे और हमें इस शेप में ओपन करने होंगे, ठीक है. इसे हम सम और डिफरेंस बोलते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन टू सम और डिफरेंस. और अगर हमें कुछ क्वेश्चंस में वापस क्लोज करना पड़ेगा तो हम इस फॉर्म में भी ला सकते हैं. ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी. अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. हम स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट गिवन है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस. अभी जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं उनको यूज करते हुए हमने सम और डिफरेंस में राइट करना है. इन क्वेश्चंस को कोई ज्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए सम और डिफरेंस में राइट करना है. मतलब जहां पर जिस प्रॉपर्टी को हम प्लस में चेंज कर सकते हैं, सम का मतलब होता है प्लस और डिफरेंस का मतलब मैथ्स में होता है माइनस. तो हमने सम और डिफरेंस यूज करते हुए हमने इन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा से यही होता है हर क्वेश्चन का कि हम क्वेश्चन को एज इट इज राइट करते हैं, क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है पंजाब बोर्ड में, और 2 मार्क्स के लिए 2 स्टेप करने मस्ट है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है कि हम क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देते हैं. अब सेकेंड पॉइंट में हमने क्या करना है, यहाँ पर लॉ की प्रॉपर्टी को यूज करना है. अभी हमने सीखा है प्रॉपर्टीज़ में कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो किस में चेंज होती है, वो एडिशन में चेंज होती है. तो इस रूल के मुताबिक हम राइट कर सकते हैं सम और डिफरेंस में लॉग ए प्लस लॉग बी. ये हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया, सिर्फ हमने सम और डिफरेंस में राइट करना है. सेकेंड पार्ट है लॉग 15.2 ओवर 30.5. तो फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे. सेकेंड स्टेप में हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे. प्रॉपर्टी क्या है, हमने सीखा था कि जो डिवीजन है वो किस में चेंज होगी, वो सब्ट्रैक्शन में चेंज होगी. तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5. बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है.
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, लॉग 21 मल्टीप्लाई 5 ओवर 8। तो फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो ऑपरेशंस दे दिए गए हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ होंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गौर करें तो मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, तो हमें दोनों को ही चेंज करना है, तो हम दोनों को एक ही स्टेप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लॉग 21, अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो हमें पता है एडिशन में चेंज होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस लॉग 5। अब ये जो लॉग 8 है ये डिवीजन है, तो हमें पता है हम डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो हम राइट करेंगे माइनस लॉग 8। ये हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हमारे पास पार्ट नंबर 4, लॉग 7 ओवर 15 रूट और इंडेक्स है इसका 3, जो रूट के बाहर एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ था उसे इंडेक्स कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल स्टेप्स हैं, इसके भी बच्चे रूट को देखकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। एक बार हम क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे, लॉग 7 ओवर 15 और इंडेक्स है इसका 3। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें रूट को ओपन करना आना चाहिए, और रूट को जब हम हटाते हैं तो हमने प्रीवियस यूनिट में, हम ये पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में, कि किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को में रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, और रेडिकल फॉर्म को वापस हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करते थे, तो ये कन्वर्जन हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, 7 ओवर 15। जब भी हम रूट को हटाते हैं तो ये जो बाहर वाला नंबर होता है ये 1 के बदले में आ जाता है, 1/3। ये हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने सीखा था प्रॉपर्टी में कि जो पार होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहीं पर ही हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर ना करना चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 ओवर 15। स्टेप्स हम सेपरेट ही कर लेते हैं क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, 1/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम राइट करने वाले हैं 7 ओवर 15 डिवीजन में है, तो हम इसको चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्शन में, लॉग 7 माइनस लॉग 15। और ब्रैकेट हमने इसलिए यूज़ की है क्योंकि ये 1/3 इन दोनों नंबर्स के साथ है, अगर हम ब्रैकेट यूज़ ना करते तो इसका मतलब ये था कि 1/3 जो है वो ओनली लॉग 7 के साथ है। ठीक है, तो ऑनली लॉग 7 के साथ नहीं है बल्कि दोनों टर्म्स के साथ है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 5, लॉग 22 पार 1 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 5 पार 3। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हम एक बार क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के भी 2 से 3 मेथड है हमारे पास, जो मेथड आपको इजी लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ कि जो मेथड आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि जो मेथड मैं ही करवा रही हूँ आपने वही करना है, बिल्कुल भी मस्त नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चों का कहना होता है मैम ट्यूशन टीचर ने हमें ये वाला मेथड करवाया, कुछ बच्चे कहते हैं मैम ट्यूशन सर ने हमें ये वाला मेथड करवाया, तो बिल्कुल भी जो हमारे क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप जो मर्जी मेथड यूज़ कर लें, बस कंडीशन यह है कि मेथड करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा इजी सा मेथड ही इसका बताऊँगी कि किस तरह हम सिंपल स्टेप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉग, सबसे पहले इसमें हमारे पास कितने ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, एक तो पार वाला रूल हम इस्तेमाल करेंगे और एक हमारे पास है डिवीजन। तो इजी तरीका ये होगा कि पहले हम डिवीजन को चेंज करें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो फ्रैक्शन से कंफ्यूज होते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले फ्रैक्शन को ही रिमूव करेंगे, लॉग 5/3। हमने इस स्टेप में क्या काम किया, सिंपल ये जो डिवीजन थी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि डिवीजन किस में चेंज होती है, सब्ट्रैक्शन में। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो रूल हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में वो क्या पढ़ा था कि जो पार होती है वो कहाँ चली जाती है, स्टार्ट में चली जाती है, 1/3 लॉग 22 माइनस 3 लॉग 5। ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, कि पहले हम जो है वो डिवीजन को चेंज करें उसके बाद हम पार्ट्स की तरफ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को एज इट इज स्टार्ट कर देंगे, 25 × 97/29। अब यहाँ पर भी हमारे पास इसके 2-3 मेथड हैं, हम इजी वाला मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। पहले हमने कहा था कि हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन को रिमूव कर चुके हैं। इसके बाद जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है वो किस में चेंज होती है, एडिशन में चेंज होती है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर सिर्फ क्या करेंगे, लगा देंगे प्लस, और ये है लॉग 29 और ये हमारा फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं।
आई होप कि आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी स्टेप आपको कंफ्यूज कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, फील फ्री टू कमेंट, आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, कमेंट करके जो लेक्चर है वो आप गेन कर सकते हैं।